नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है सांझी माता की कहानी। अब शुरू करते हैं। एक नगर में एक दंपति रहता था। उनका घर धन धान्य से संपूर्ण था और व्यापार भी अच्छा चलता था, परंतु उनके घर कोई संतान नहीं थी और इसी बात को लेकर वो दोनों बहुत दुखी रहते थे और चिंतित रहते थे। घर की महिला बहुत ही धार्मिक थी और हमेशा परमात्मा की पूजा पाठ में लगी रहती थी। वह हमेशा भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती रहती थी। ऐसा करते करते 10 साल बीत गए, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। एक दिन जब वह स्त्री दोपहर के समय भगवान की पूजा कर रही थी तो तभी उसके द्वार पर एक साधु आए और उस स्त्री से उसकी निराशा का कारण पूछा। उस स्त्री ने अपना सारा दुख साधु को बता दिया और कहा कि हे महात्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे। उस ऋषि ने कुछ सोचकर कहा कि हे पत्नी, तुम अपने हाथों से श्राद्ध पक्ष के बाद अश्विनी मास के नवरात्रि में माँ दुर्गा का मिट्टी में स्वरूप बनाकर उसकी 9 दिन तक पूजा करो। माँ तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करें। उनके कहे अनुसार उस स्त्री ने अश्विनी मास के नवरात्रों से पहले श्राद्ध पक्ष में तालाब से मिट्टी लेकर माँ दुर्गा का स्वरूप बनाया और साथ ही शेर, चांद, सूरज, तारे, चिड़िया और अन्य वस्तुओं बनाकर अमावस्या की रात जब नवरात्रि शुरू होते हैं माता का दरबार दीवार पर गाय के गोबर से सजाया और साथ ही जौ भी बीजे, जो खुशहाली का प्रतीक है। 9 दिन तक उसने सुबह प्रातःकाल उठ स्नान करके शुद्ध वस्त्र और आभूषण पहनकर माता की पूजा की और हर संध्या काल आस पड़ोस की महिलाएं तथा कन्याओं को बुलाकर भजन कीर्तन भी किया और उन्हें यथा योग प्रसाद भी दिया। उसने अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को बुलाकर उन्हें हलवा पूरी और चने का यथा योग प्रसाद भी खिलाया और उपहार भी दिए। उस स्त्री की श्रद्धा और भक्ति देख कर माँ सांझी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर पुत्र होने का वरदान दिया और कहा कि जो भी मेरी 9 दिन तक मिट्टी का स्वरूप बनाकर पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करेगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। संतानहीन को संतान, कुंवारी कन्याओं को मान चाहा वर और धनहीन को धन की वर्षा करेंगी। माँ के कहे अनुसार उस स्त्री के आने वाले वर्ष एक पुत्र को जन्म दिया और अगले नवरात्रि में माता की श्रद्धा भाव से पूजा की। जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनता और सुनाता है, माँ सांझी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।